नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे नारियल पौधा वितरण का ऐसे ले लाभ। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच की करवाहट हुई दूर, बैठक में पहुंचे सभी कुलपति। घर बैठे ही पा सकेंगे जमीन निबंधन के लिए चालान। बिहार में मौजूद नदियों का गिर रहा जलस्तर। किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करने से पहले जान लेंगे बातें, वरना हो सकती है कानूनी कार्रवाई। आईसीसी की रैंकिंग में भारत आया नंबर वन। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ ने इन पदों पर निकाली भर्ती। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा हेड कांस्टेबल, हवलदार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक हेड कांस्टेबल और हवलदार के पद पर 1283 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 243 पदों पर वैकेंसी आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो और उसकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे नारियल पौधा रोपण का ऐसे ले लाभ। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम 2024-25 चलाए जा रहे हैं। आईपीआरडी बिहार ने बताया है कि कृषकों को प्रति पौधा इकाई लागत 85 रुपए का 75% दिया जाएगा। पौधा प्राप्ति के लिए पहले प्रति पौधा कृषक 21.25 रुपए की दर से सहायक निदेशक उद्यान के यहां जमा करेंगे। कृषक को न्यूनतम 5 और अधिकतम 712 पौधे अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रति हेक्टेयर 178 पौधे लगाए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर फसल संबंधित योजना के अंतर्गत नारियल पौधा वितरण योजना के आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां मांगी गई जरूरी जानकारी को भरते हुए आवेदन किए जा सकते हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रदेश के 3600 तटबंधों पर सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। कुछ ही दिनों में बिहार में मॉनसून के कारण लगातार बारिश देखने को मिलेगा। ऐसे समय में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रदेश के 3600 तटबंध पर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो तटबंधों की बाढ़ के समय निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि इन सुरक्षा कर्मियों के तटबंधों की सुरक्षा और कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए हर किलोमीटर पर एक एक तटबंध सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही संकट के समय तटबंधों की ये मरम्मत भी करेंगे। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच की करवाहट हुई दूर, बैठक में पहुंचे सभी कुलपति। लंबे समय से शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच खटपट देखने को मिल रही थी। कई बार विश्वविद्यालय के वीसी को बैठक में आने का निमंत्रण दिया गया था, बावजूद उसके कई वीसी बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन के पाठक के छुट्टी पर जाते ही एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाला और जब इन्होंने एक बार फिर से विश्वविद्यालयों के सभी वीसी यानी कुलपतियों को बैठक में बुलाया तो सभी पहुंच गए। इस बैठक में विश्वविद्यालयों के बजट को लेकर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद एस सिद्धार्थ कर रहे थे। इस दौरान 2 दिनों के अंदर 4 महीने के वेतन सभी विश्वविद्यालयों को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्णिया, मुंगेर और अरबी फारसी विश्वविद्यालयों के बैंक खाते के संचालन पर लगी रोक को खत्म कर दिया गया। घर बैठे ही पा सकेंगे जमीन निबंधन के लिए चालान। बिहार सरकार द्वारा जमीन निबंधन पोर्टल में कई तरह के अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि जमीन निबंधन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इस बदलाव के तहत अब आप जमीन निबंधन के लिए चालान घर बैठे ही जमा कर पाएंगे और टोकन भी घर बैठे ही ले पाएंगे। पहले ही इस काम के लिए लोगों को निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। हालांकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाने से घर बैठे ही इस काम को लोग आसानी से कर सकेंगे। इस काम को आप निबंधन विभाग की वेबसाइट पर करवा सकते हैं। फिलहाल इस वेबसाइट का विभागीय स्तर पर परीक्षण चल रहा है। उम्मीद है कि इस सुविधा का लाभ आपको आगामी महीने में मिल जाएगा। बिहार में मौजूद नदियों का गिर रहा जलस्तर। जलवायु परिवर्तन का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। इसका असर बिहार में मौजूद कई नदियों पर देखा जा सकता है। दरअसल प्रदेश में बहने वाली गंगा, घाघरा, कमला, बलान, फल्गु, दुर्गावती जैसी कई नदियों का जलस्तर गिरता नजर आ रहा है।
ऐसा पिछले 4 से 5 सालों से देखने को मिल रहा है। जून का महीना आते ही गंगा जैसी नदी का पानी का जलस्तर भी गिर जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक बीते 3 सालों से हर साल जून महीने में पानी 1 मीटर के करीब में नीचे जा चुका है, जो काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि नदियों में हो रहा कंस्ट्रक्शन भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। व्यक्ति को लू लगने पर करेगी काम, भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा भी आईपीआरडी बिहार पर लू से बचाव को लेकर कुछ जानकारी साझा की गई है, जिसके मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उस वक्त ठंडी जगह पर उस व्यक्ति को लिटा दे। यदि उसने तंग कपड़े पहन रखे हैं तो उसे ढीला कर दे। ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या उसे होश हो तो ठंडे पानी से नहलवा दे। फिर उस व्यक्ति को नींबू पानी या नमक चीनी पानी और या ओआरएस का घोल पिलाएं। यदि व्यक्ति उल्टी कर रहा हो या बेहोश हो उस वक्त उसे कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दे। शरीर के तापमान को कम करने के लिए आसपास में कूलर या पंखा चला दे। शरीर पेट और सर को गीले कपड़े से ढके, पैर को शरीर के मुकाबले तकिए आदि की मदद से थोड़ा ऊंचा कर दें। यदि फिर भी उसमें कोई सुधार ना दिखे तो उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। इसी समय चमकी बुखार के आते हैं सबसे अधिक मामले, स्वास्थ्य विभाग भी हुआ अलर्ट। जून महीना के शुरू होते ही प्रदेश में मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में मासूम बच्चों के बीच चमकी बुखार का असर दिखने लगता है। साल 2019 में चमकी बुखार की तबाही ने कई बच्चों की जान ले ली थी, लेकिन बीते कुछ सालों से राज्य सरकार भी अलर्ट हुई है और इस पर काबू भी पाया जा सका है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते कुछ सालों के स्टडी के अनुसार 9 से 21 जून तक चमकी बुखार पिक पर रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और विशेष सावधानी बरती जा रही है। आशा कार्यकर्ता भी अपने क्षेत्र में हर दिन बच्चों के घर जा रही हैं और कमजोर बच्चों पर विशेष नजर रख रही हैं। जाने कब से वीटीआर का समाप्त होगा पर्यटन सत्र। 15 जून को बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र का औपचारिक समापन होता है। हालांकि कई बार मौसम के अनुकूल भी इसका समापन किया जाता है, जैसे मानसून पहले आ जाए और लगातार बारिश हो तो बारिश की स्थिति को देखते हुए पर्यटन सत्र की समाप्ति कर दी जाती है। फिलहाल मानसून भी नहीं आया है और ना ही वीटीआर को बंद करने के लिए कोई पत्र या आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में मानसून सत्र शुरू हो जाएंगे तो लगातार बारिश को देखते हुए जल्द ही इसका औपचारिक तौर पर समापन कर दिया जाएगा। इस दौरान अधिक बारिश के कारण पहाड़ों पर गाड़ियों के चढ़ने में दिक्कत होगी, रास्ते भी फिसलन भरे रहते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये सीधे अक्टूबर के महीने में ही खुलेगा। आपको बता दें कि पर्यटक सत्र समाप्त होते ही टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, गंडक सफारी के साथ वाल्मीकि आश्रम बंद रहता है, लेकिन अन्य सुविधाएं चालू रहती हैं। इस दिन होगी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा 29 जून को होने वाली है, जिसमें करीब 40,247 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस परीक्षा के माध्यम से होगी। वहीं 28 जून को प्रधान अध्यापक की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अनुभवी शिक्षकों की संख्या 25,000 के करीब है। इस परीक्षा के तहत 6,064 रिक्त पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि पहले भी इस परीक्षा का आयोजन हो चुका है, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण सरकार द्वारा कुछ संशोधन कर आयोग को फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद अब जाकर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करने से पहले जान लेगी बातें, वरना हो सकती है कानूनी कार्रवाई। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कॉल पर बात करते समय कई लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग रखते होंगे। कई लोगों के फोन में तो हमेशा ही कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन रहता है, ताकि कॉल पर हुई बातचीत को वे दोबारा भी सुन सके। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऐसे करने से पहले उसकी इजाजत लेनी जरूरी है, वरना ये कानूनी अपराध भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी की मर्जी के खिलाफ कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो उसके मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन होगा और इसकी शिकायत भी आपके खिलाफ दर्ज करवाई जा सकती है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग से पहले डीओ को मिले ये निर्देश।
बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 87,813 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। इन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी। काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से विषयवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त पदों तथा वर्गवार नामांकित बच्चों के बारे में पूरा ब्यौरा देने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। 25 जून तक ईमेल के जरिए इन सभी ब्यौरों को उपलब्ध करवाना जरूरी है। पटना चिड़िया खाने में फर्न हाउस का हुआ उद्घाटन, पहले से दोगुना होगा घूमने का मजा। बीते दिन पटना जू में वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने फर्न हाउस और 2 किलोमीटर ठंडे रास्ते का उद्घाटन किया है। जू में फर्न हाउस के निर्माण से जू का मजा पहले से और भी बढ़ जाएगा। वहीं प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे लगाकर रास्ते को ठंडा करने से लोगों को इस गर्मी में भी काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पटना जू के फर्न हाउस में 40 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, साथ ही इसमें झरना भी लगाया गया है जिसके फुहारे लोगों के शरीर पर गिरेंगे और उन्हें हल्की बारिश का एहसास होगा। वहीं ठंडे रास्ते बनने से पटना जू में आने वाले लोगों को भी मॉर्निंग वॉक के दौरान राहत मिलेगी। ग्रेडिंग के लिए प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज और संस्थानों की जांच हुई पूरी। ग्रेडिंग के लिए प्रदेश में मौजूद सभी सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग संस्थानों की जांच पूरी की जा चुकी है। राज्य के 121 सरकारी सहित 234 निजी नर्सिंग संस्थानों की जांच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूरी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को इसी महीने QCI द्वारा जाँच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी अगले महीने जाँच रिपोर्ट के आधार पर ग्रेडिंग करेगी। आपको बता दें कि QCI के राज्य यूनिट द्वारा नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षक, छात्र प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय भवन सहित कई आधारभूत संरचना की कई बिंदुओं पर QCI की राज्य यूनिट ने जांच की है। जानिए बिहार में कब है बारिश की संभावना। दक्षिण भारत में गर्मी के कारण लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। इस तपती गर्मी में घर से निकलने वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों को अब मानसून का इंतजार है। हालांकि मानसून का समय तो नजदीक आ गया है। बिहार में हमेशा 15 जून तक ही मानसून का प्रवेश देखने को मिलता है। ऐसे में सभी बारिश की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रदेश में आज के अधिकतम जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है, लेकिन उम्मीद है कि 14 या 15 जून से लगातार बारिश देखने को मिले। हालांकि आज एक बार फिर से बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पटना और अरवल में कुछ स्थानों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। बीएड सत्र 2023-25 के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने की जाने अंतिम तिथि। बीएड सत्र 2023-25 प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष 2022-24 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जा चुकी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह के निर्देश के बाद अधिसूचना जारी की है। बीएड के लिए 14 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 14 जून तक ये फॉर्म विलम्ब शुल्क के साथ भरे जाएंगे। सामान्य और बीसी दो के बच्चों को फर्स्ट ईयर के लिए ₹4,320, वहीं बीसी एक और SC/ST के बच्चों को ₹2,340 देने होंगे। वहीं सेकंड ईयर के बच्चे को अंक प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र के लिए ₹900 देने होंगे। एक बार फिर से बिहार पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम। बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं। बिहार पुलिस ने शराब तस्करी के मामले को उजागर किया है। दरअसल उत्पाद विभाग ने कैमूर में गुप्त सूचना के आधार पर सफारी गाड़ी का पीछा करते हुए भभुआ कुदरा बाईपास रोड से दबोचा। इस दौरान गाड़ी की तलाशी में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। किसी को इसकी भनक भी ना लगे इसके लिए उत्तर प्रदेश से अंदर वाले रास्ते कुदरा की तरफ शराब से लदी गाड़ी को कोचस होते हुए ले जाया जा रहा था। इस गाड़ी में 26 पेटी शराब बरामद किए गए हैं जो करीब 240.12 लीटर तक बताई जा रही है। इस मामले में वाहन चालक आकाश यादव पिता अमरनाथ यादव की गिरफ्तारी हुई है जो गाजीपुर के रहने वाले हैं। जब्त की गई गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख का बोर्ड भी लगा था। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीते दिन बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन देखने को मिला। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही मौजूद रहे।
मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 100 में से 75% अंक जनता ने हमें दिए हैं, लेकिन हम 90% अंक लाना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में हम अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं और जो अंक इस चुनाव में हमें मिले हैं उसे और बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 से हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेंगे। तेजस्वी ने राजनीतिक परिवार से आने वाले मोदी कैबिनेट के 22 मंत्रियों की जारी की सूची। लोकसभा चुनाव के दौरान परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष के कई लोगों ने विपक्षियों पर आरोप लगाए थे। अब इसी पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए कहा है कि राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े संरक्षणकर्ता, पालनकर्ता और पोषणकर्ता ही परिवारवाद पर लंबा लंबा भाषण देते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मोदी कैबिनेट से 22 ऐसे मंत्रियों की सूची जारी की जिसमें वे राजनीतिक परिवार से अपना ताल्लुक रखते हैं। आगे तेजस्वी ने कहा कि ये तो केवल मंत्रियों की ही सूची है, परिवारवाद वाले सांसद तो बहुत हैं। एनडीए 400 पार में क्यों हुआ विफल, केसी त्यागी ने बताई वजह। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा क्यों फ्लॉप हुआ है, इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने 400 पार के नारे को संविधान परिवर्तन से जोड़ कर इसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि संसद में पीएम मोदी ने 400 पार के नारे की शुरुआत की थी, एनडीए ने अपनी रैलियों में 400 पार के नारे लगवाए, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन ने इस नारे को संविधान में परिवर्तन से जोड़कर जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाया कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। आईसीसी की रैंकिंग में भारत आया नंबर 1। टी20 इंटरनेशनल टीम की रैंकिंग आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर देखने को मिला, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को लगातार 2 हार के कारण यहां भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें स्थान पर आ चुका है। आईसीसी द्वारा जारी किए गए इस रैंकिंग में पाकिस्तान को 241 रेटिंग पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं तो वहीं भारत को 265 रन प्राप्त हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान श्रीलंका से 11 अंक की बढ़त पर बना हुआ है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1420 में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आज के दिन वर्ष 1940 में जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर की जान लेकर जालियांवाला बाग का बदला लेने वाले भारतीय उद्यम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी। आज के दिन वर्ष 2002 में 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के समझौते की समय सीमा समाप्त हुई थी। आज के दिन वर्ष 2005 में ईरान 2009 के अंत से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमत हुआ था। आज के दिन भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का वर्ष 1994 में जन्म हुआ था। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को मिलेगा ये शानदार फीचर। एलन मस्क ने ऐलान करते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया एक्स पर एक और नई सुविधा पेश करने जा रहे हैं। इस नए फीचर का नाम है प्राइवेट लाइक। इस सप्ताह से उम्मीद है कि इस नए फीचर को लाइव कर दिया जाए। दरअसल प्राइवेट लाइक के इस फीचर के तहत सोशल मीडिया एक्स पर आपको लाइक को डिफॉल्ट रूप से छिपा दिया जाएगा, जिससे लोगों के बीच एक सकारात्मक ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में जो लोग सार्वजनिक जांच या नकारात्मकता की वजह से किसी भी पोस्ट पर रिएक्ट करने से डरते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। सप्ताह के तीसरे दिन शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। शेयर बाजार ने सप्ताह के तीसरे दिन फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें सेंसेक्स 149.98 अंक चढ़कर 76,606.57 अंक पर और निफ्टी 58.10 अंक के लाभ से 23,332.95 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ट्रेडिंग के समय सेंसेक्स 77,050.53 अंक तक पहुंच गया, वहीं निफ्टी 23,442 तक के स्तर तक पहुंचा। आपको बता दें कि निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई है। इससे पहले 10 जून को सेंसेक्स ने रिकॉर्ड को छुआ था, जिसमें 77,079 अंक के स्तर को टच किया था और सेंसेक्स का ये ऑल टाइम रिकॉर्ड रहा। अब ईपीएफओ कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी, इन चीजों की मिलेगी सुविधा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारी अब अपने नाम, जन्म तिथि, पता आदि में किसी प्रकार की भी गलती होने पर खुद ही सुधार करवा सकेंगे। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया है, जिसकी मदद से इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसमें आपको बता दें कि अभी तक ईपीएफओ से जुड़े लोगों को अपने नियोक्ताओं के पास जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वे अब आसानी से इसमें सुधार करवा सकेंगे। इससे जुड़े सदस्यों को खाते से पैसे निकालने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सेवा भी शुरू की गई है, ताकि खाते से आवास शादी और शिक्षा शादी के लिए पैसे निकालते समय अधिक इंतजार ना करना पड़े। अब इसके सदस्य क्लेम करेंगे तो सीधे खाते में पैसे 3 से 4 दिनों में भेज दिए जजाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है नरसिंह, ऑप्शन बी है रोहिणिया लोखंडे, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है आयुष्मान गुप्ता। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? ऑप्शन ए है 1,62,000, ऑप्शन बी है 1,16,000, ऑप्शन सी है 1,78,000, ऑप्शन डी है 1,52,300। इसका सही उत्तर है 1,60,000। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गोमती। इसका सही उत्तर है कोसी। औरंगजेब के समय पटना का नया नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी अजीमाबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी फरुखाबाद। इसका सही उत्तर है अजीमाबाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राज किशोर महतो, साधवीर, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, रघुवीर, जीवनाथ मंडल, राम प्रकाश शर्मा, अनुपम कुमारी, आशीष कुमार पासवान, सुरभि, सुमन, विनय कुमार, अंशु कुमारी, विकास दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतीक खान, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या हर साल आपके क्षेत्र में भी बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।